हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। कुकर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम ये कंदा लेने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मोटा मोटा कंदा यहाँ पे, अभी कंदा लोड हो रहा है पिकअप में, और ये एक जगह में रखा हुआ है, इसको भी लोड करना है। अलग सा जगह में आए हुए हैं, यहाँ पहले कभी आए हुए नहीं थे। बहुत मोटा मोटा और बढ़िया कंदा है, और आज सिर्फ इसी का वीडियो बना रहा है, क्योंकि बाज़ार नहीं जा सके, यहीं पे आने का चक्कर, बाज़ार नहीं गए तो बाज़ार का वीडियो नहीं बना। हम लोग का जो कंदा है लगभग लोड हो चुका है, थोड़ा सा ये कंदा बचल है, उसी को लोड करना है। और बहुत ही मुश्किल हुआ दोस्तों, बहुत पहाड़ी जगह है। मैं थोड़ा सा पहाड़ी को भी रुक करके एक जगह में बताऊँगा कि कैसा पहाड़ी जगह में हम लोग आए हैं। बहुत डेंजरस पहाड़ सब है यहाँ पर, देख सकते हैं कैसा जगह है। और इस जगह में हम लोग कंदा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और अभी इस जगह में ये वाला कंदा लोड होगा। तो मैं आगे का वीडियो बताता हूँ, उससे पहले मैं आप सब दोस्तों से यही कहना चाहेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल झारखंडी ब्लॉगर को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और दोस्त यार को जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर कंदा लोड हो रहा है, तो साइड है ये कंदा आपका बिहार चला जाएगा। आज जो मार्केट था वो मार्केट हम लोग नहीं गए हैं, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कंदा लोड करना था दोस्तों, और इसी वजह से मार्केट नहीं गए हैं। और यहाँ पे हम लोग एक पिकअप कंदा लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और कंदा का लोडिंग हो रहा है यहाँ पर। अब ये कंदा लोड होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सुबह का निकले हुए हैं, और लगभग मांडर से जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी में लगभग हम लोग का जो कंदा है वो लोड हो चुका है। थोड़ा ही लेट है यहाँ पे, तो आज का वीडियो हम मार्केट का बना नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे आने का वजह से, और कोशिश करेंगे कल बनाने का। तो आप लोग झारखंडी ब्लॉगर में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, दोस्त यार को जरूर शेयर करिए। ये कंदा को हम लोग यहाँ से लोड कर रहे हैं, आपको दिखा सकते हैं कंदा। बहुत ही अलग सा एरिया है ये हम लोग गुमला जिले में आए हुए हैं। लगभग जो कंदा है लोड हो चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है इस जगह में, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे। लगभग हो चुका है 30 क्विंटल माल यहाँ पे इस पिकअप वैन में आ जाएगा, तो लगभग हम लोग का माल हो ही चुका है यहाँ पे। कुछ ही देर में आधा घंटे के आसपास यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग दोस्तों इधर से आए थे यहाँ पे, इस पहाड़ी से होकर के, ऐसा बहुत सारा चट्टान यहाँ पे देखने को मिलता है, कितना झाड़ी है, कितना खतरनाक जंगल से होते करते हम लोग कंदा लेने के लिए इतना दूर आए। लगभग अपना एरिया से 50 से 60 किलोमीटर का दूरी में हम लोग बाइक में आए हुए हैं। ऐसा पहाड़ है, देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक पहाड़ है दोस्तों, एकदम पूरा चिकनाहट है। इस पहाड़ी से लगभग 5 किलोमीटर और दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे और 2-3 पहाड़ मिलता है, उसके बाद में वो गांव मिलता है जहाँ से हम लोग कंदा को लिए पिकअप में लोड कराए हैं। बहुत ही आकर्षक पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अभी जाने में हम लोग को कम से कम डेढ़ घंटा लग सकता है, डेढ़ घंटा लगेगा जाने में। उतना अच्छा रोड भी नहीं, आप लोग देख सकते हैं रोड का हालत, जर्जर रोड है, तो बड़ा मुश्किल से हम लोग निकल रहे हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने में,
छोटा मोटा बड़ा बहुत सारा पहाड़ी इस जगह में है। उधर भी आगे भी आप देख सकते हैं, आगे भी पहाड़ी है। और कैसा जगह में गए थे आप देख सकते हैं, कैसा पहाड़ी है इस जगह में, बहुत ही बेहतरीन पहाड़ी है दोस्तों। और हम लोग जहाँ से आए थे लगभग मांडस से 40 से 50 किलोमीटर का दूरी में आए थे, और ऐसा जंगल में आए हैं जहाँ पे बिल्कुल कभी ऐसा जगह में हम लोग नहीं आए थे। तो आज का वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मार्केट का वीडियो हम लोग शूट नहीं कर पाए आज, क्योंकि यहाँ पे कंदा खरीदने के लिए आए हुए थे, इस वजह से मार्केट का वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो कल का दिन में मार्केट का वीडियो जरूर शूट करेंगे। इसके लिए मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल झारखंडी ब्लॉगर का जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, और दोस्त यार का जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।